अच्छा रजत बेटा, मैं भी जरा फंक्शन के लिए तैयार हो जाऊं। वो क्या था ना कि जाना तो था पर थोड़ी तबीयत मेरी ढीली लग रही थी, पर आप मैं बिल्कुल सही लग रही हूँ तो मैं भी जरा हो आती हूँ। वैसे तुमने कुछ अन्नू को अगर बोलना है तो मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगी तुम्हें फोन कर लेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। डर तो नहीं लग रहा ना? थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा कम लग रहा है। दिव्यानी, हमें तुम पे बहुत गर्व है। अगर कोई कमजोर लड़की होती ना तो ये फंक्शन में आती ही नहीं। दिव्यानी तुम टेंशन मत लेना, अगर यहाँ किसी भी आंटी ने तुम्हें कुछ भी कहा ना तो हमसे ऐसा सुनेंगे ना कि किसी से कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचेंगे। दीदी आप ना मिंटी आंटी के साथ रह रहे के ना उनके जैसे ही हो गए हो। अच्छा गुड्डू, तुम हॉस्टल में रह रहे के ना बहुत बड़बोली होती जा रही हो, घर चलो बताते हैं तुम्हें। भाभी आपको मम्मी जी बुला रही हैं। वो हमारी सीट्स पहले से बुक है ना सबके साथ, सरीन फैमिली के लिए, और वैसे भी हम सबको एक साथ बैठना चाहिए, आखिरकार हम एक फैमिली है ना। हाँ काजल तुम जाओ, हम अभी आते हैं। दिव्यानी हम अभी हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम चाहे तुमसे थोड़ी दूर क्यों ना रहे पर हमारी नजर तुम पे होगी, ठीक है? और नहीं तो ले आ गई मेरी बहू। अरे बहू क्या, रब ने वैसी बेटी मुझे दे दी है जैसी मैं हमेशा चाहती थी। और मुझे ऐसी माँ जैसी मैं चाहती थी। अरे पुत्र मेरी पना कर। सॉरी मम्मी जी, आपने मुझे इतने प्यार से बेटी का कि मैं पैरी पौना करना ही भूल गई। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस साल से काजल भी हमारे सोसाइटी डिनर में शामिल हो गई। काजल पुत्र तुझे पता है हम लोग हर साल ये फंक्शन करते हैं ताकि हम सब कॉलोनी की लेडीजों को ना मिलने जुलने का मौका मिले। आज डिनर क्या जी, अपनी बहू बेटियों की चुगली करना और इधर उधर की गॉसिप करने के लिए आते हैं हम लोग। नहीं पर मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बहू है इतनी अच्छी। मम्मी जी आप तो इतनी अच्छी है, आपके साथ रहकर तो कोई भी अच्छा हो जाएगा। हाय मेरा बच्चा। आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना, टेंशन से आओ। लो सरीन का नाम था ये। बैठो कुछ बैठो, आजा आजा। अनु यहाँ पे कहीं भी हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है। अरे ये तो वही MMS वाली लड़की है ना। बड़ी हिम्मत है यार, इतना कांड करने के बावजूद भी सबके बीच में आ गई। ओए होए, एक MMS क्या आ गया, तू तो जिंदगी भर सुनाती रहेगी। MMS का क्या है, बनना था तो बन गया, किसी के साथ भी हो सकता है। देवयानी पुत्र तू चिंता ना करी, अब अपने लिए चेयर शेयर ढूंढ ले और बैठ जा।
हाँ पर यहाँ कहीं नाम नहीं लिखा। ओए होए, देखना रब के खेल भी कितने निराले हैं। पर मैं कह देती हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी मिस्टेक तेरी है। मतलब? देख, मैंने तो तेरी बुकिंग सरीन फैमिली में करके रखी थी, क्योंकि तेरी शादी तो यू नो नील के साथ, नील की वोटी होने वाली थी ना, पर तूने ही मना कर दिया। और आज देख तेरी जगह पे काजल बैठी हुई है। ऐसे जो लड़कियां एमएमएस में दिखाई देती है वो शादी की वीडियो में नहीं दिखाई देती। शाबाश डॉली, बस ऐसे ही देवयानी की बैंड बजाते रहे, कुछ ऐसा कर कि आज वो खून के आंसू रो दे। और चलो जी तंबोला के लिए रेडी हो जाओ, अपने अपने लक को साथ में लेके। ओके हाँ जी, शुरू करते हैं, अपने अपने लक साथ में रखना। हाँ तो पहला नंबर है 3343। आई मेरी ते मिंटी दी रियल एज 3030। वाह देवयानी, आज तो तेरा लक बड़ा चमक रहा है। शादी वाले दिन जो तेरा लक चमकता तो तू उस प्लास्टिक की चेयर पे ना बैठी होती। तुम सरीनों के साथ कुशन वाली चेयर पे बैठी होती। अब कहना क्या चाहती है डॉली आंटी? अगर हम उस दिन नील से शादी कर लेते तो हम आज तक परेशान होते, फिर चाहे हम कुशन पे बैठे या सोफे पे, आज तक हम परेशान बैठे होते कि हमने जो कुछ किया गलत किया। और हाँ, रहा सवाल किस्मत का ना, तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, हम उस पर कभी डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है, हमारी सोच। उस दिन हमारी सोच ने हमसे ये कहा कि नील से शादी करने का फैसला गलत था, तो हमने नील से शादी नहीं की। और हाँ, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बुरा फील करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप चाहे जितनी कोशिश करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाह देवयानी वाह, तू तो बड़ी शानदार है। अरे इन लोगों की बातों का तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जिस लड़के के साथ तूने इतनी गलत हरकतें की है, उस लड़के के साथ शादी करना अब तुझे गलत लग रहा है? वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया संस्कार दिए शास्त्री जी ने इन शास्त्री सिस्टर्स को, है ना? देखिए आप, एक सेकंड दिव्यान,
आपने बिल्कुल सही कहा आंटी जी, हमारे पापा ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। और हमें उन पे गर्व है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से दिल से प्यार करता, उसे शादी करना चाहता, तो उससे शादी करना सही संस्कार। अगर वो लड़का प्यार की आड़ में किसी लड़की से बदला लेने की कोशिश करे, तो उसको ना कर देना ही सही संस्कार। अगर कोई चोट खाई हुई लड़की को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही है, तो उनसे अच्छे से बात करना सही संस्कार है। पर अगर कोई जानबूझकर आपके कमजोरी का फायदा उठा रहा, आपके दुखों का मजा लेने की कोशिश कर रहा, तो ऐसे लोगों को उल्टा जवाब देना भी सही संस्कार है। ओ संस्कार की देवी, तो हमारे साथ आइए ना, सरीन परिवार के साथ। तो हमारे साथ रह, उनकी तरफदारी क्यों कर रही? ज्यादा बहन चारा दिखाने की जरूरत नहीं। मम्मी जी, अगर आप बहन चारा कहके हमारा और हमारी बहन के प्यार का मजाक उड़ाने की कोशिश करें, तो हम सब दो बहनों का प्यार किसी भी मजाक से ऊपर होता है। मम्मी जी, हम आपके घर की बहू हैं और बहू होने का हर फर्ज निभाएंगे। पर आप ही बताइए, अगर आज हम अपनी बहन का साथ ना दें, क्या हम अपनी बहन होने का फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे? तो मेरी सहेलियों के साथ लड़ाई कर रही है ना, तो फिर अपनी ड्यूटी कैसे निभा रही है? बोल। नहीं मम्मी जी, हम आपकी सहेली से लड़ नहीं रहे, हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारी बहन को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी जी, आपको तो इसमें हमारा साथ देना चाहिए, आखिरकार हम एक परिवार का हिस्सा है, वो तो पराई है। मम्मी जी देखा, अरे सालों की दोस्ती को मिनटों में बाहर वाला कह के साइड कर दिया। मिंटी, मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। देख, रब ने तेको एक बहू तो बहुत ही अच्छी दी है, तो ये दूसरी वाली, मान ना मान, वो तेरा ये घर तोड़वा कर रहेगी। अल्लू के खिलाफ एक भी शब्द कहने की हिम्मत मत करना। रजत, मैं तो क्या कहने वाली थी आप? मैं तो वो तो ये कह रही थी कि जब सब लोग अन्नू और उसकी बहन की इंसल्ट कर रहे थे, तब आप चुप थी ना, तो अब भी चुप ही रही। सब कुछ देखा मैंने। मेरी बात तो सुन, मैं क्या कह रही हूँ? ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मुझे बोलने तो दे। क्या कहना चाहती थी? कि कैसे आप देवयानी की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी, या फिर कैसे आपको MMS के बारे में सब कुछ पता था, या फिर कैसे आप देवयानी की शादी किसी एक एडवाइस देता हूँ आपको मॉम, ये सब बातें ना किसी और को मत बताना। हम सब घर वाले हैं, इसलिए आपको और नील को हमने माफ कर दिया।
शायद बाहर वाले ना करें। और एक बात आप समझ लीजिए, आप सब भी सुन लीजिए, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहा तो दिल्ली स्टाइल में कह रहा हूं, मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगा। और तुम तीनों अभी के अभी घर चलो, अभी के अभी। पचहत्तर क्विंटल नहीं यार, ढाई टन कहा था मैंने। हाँ हाँ, फोन रख, चल। गधे इकट्ठे किए सारे। भाजी क्या हुआ भाजी? रजत एक बार हमारी बात सुनिए। रजत क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? पापा जी बहुत गड़बड़ हो गई है, पता नहीं रजत उस सोसाइटी डिनर में कैसे पहुंच गए, वहां जो तमाशा हुआ। पड़ गई कलेजे में ठंड, दोनों में फिर से लड़ाई बढ़वा दी ना तूने। मैंने कौन सी लड़ाई करवाई? उनकी हर प्रॉब्लम मेरी वजह से होती है क्या? उनकी आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन आपको तो लगता है कि हर प्रॉब्लम मेरी वजह से होती है। चल अब ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर। अच्छा जो मेरे साथ हुआ है ना वहां, उस हिसाब से तो मैं अंडर रिएक्ट कर रही हूँ। आपको पता भी है क्या हुआ है वहां पे? रजत ने क्या कुछ मुझे कहा बाहर, आपको पता भी है? लेकिन नहीं, घर घुसते ही सास की तरह सवाल जवाब धनाधन शुरू। तेरी चेचे खत्म हो गई तो मैं चज की बात करूं? रजत ऐसा कभी नहीं था और ना ही कभी ऐसा बनता। तू जो हरकतें करती है ना, अगर तू वो ना करती तो ना उसे इतना दुख होता और ना ही वो हमसे दूर होता। एक बात कान खोलकर सुन, रजत अगर हमसे दूर हुआ है ना तो वो मेरी वजह से नहीं, अपनी बीवी की वजह से। कह दो उसे, उसे पूछना बंद कर दे, घर का बैलेंस ठीक हो जाएगा। मैंने मना किया था ना तुम्हें वहां जाने के लिए, फिर भी तुम गई। मुझे पता था वहां कोई ना कोई तमाशा जरूर होगा, क्या जरूरत पड़ गई थी वहां जाने की? हमें क्या पता था कि वहां लड़ाई हो जाएगी? पहली बार इस घर में आई या पहली बार मॉम को और उनकी सहेलियों को मिली हो? पता नहीं है वहां पर डिनर हो ना हो, लेकिन तमाशा जरूर होगा, लड़ाई जरूर होगी। आई एम सॉरी रजत, पर आपको क्या जरूरत है वहां पे आने की? तुमने देखा नहीं वो आंटियां देवयानी से कैसे बात कर रही थी? उन्हें जवाब देने की जरूरत थी, इसलिए मेरे आने की भी जरूरत थी। ठीक है रजत, पर आपको मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारी मम्मी जी को भी नहीं करनी चाहिए थी। एग्जाम्पल दूं, दिव्यानी वाला MMS, ढेर सारे झूठ। वहां तुम्हारा साथ ना देके डॉली आंटी का साथ देना, लेकिन उन्होंने की ना। वैसे ही बहुत सारी बातें हैं जो मुझे भी शायद नहीं करनी चाहिए थी, पर मुझे करनी पड़ रही। रजत आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे हर बात का जवाब देके कोई हल नहीं निकलेगा। और ना देने से भी नहीं निकलेगा। तुम ये आदर्श बहू बनना बंद करो प्लीज, कि तुम्हारी सास एक आदर्श सास नहीं बन पा रही। और सच पूछो तो ये सब बातें मुझे इरिटेट कर रही हैं यार। तो हम क्या करें रजत, हमारा घर टूट रहा है, उसे टूटने दे। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी का सर किसी के भी सामने किसी भी कारण की वजह से झुके, घर के अंदर या घर के बाहर। और सच पूछो तो इन लड़ाइयों से मैं तंग आ चुका हूँ यार। मैं एक सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता हूँ अपनी वाइफ के साथ। लेकिन जब तक तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी जी की ये लव स्टोरी चलती रहेगी ना, हमारी लव स्टोरी बीच में ही अटकी रहेगी।